आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। में रानीपुर ब्लॉक संवाददाता बसुदा आपके साथ, में रानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत यह सुनसा ग्राम सभा है, यहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे कुछ लोग विचार है कि हम भी बाबा का स्थान में कुछ करना चाहते, आइए हम उनसे बात करेंगे। कैमरामैन थोड़ा इधर लेकर आइए। यहाँ पे कुछ लोग हैं बीर बाबा के स्थान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताना चाहते हैं, आइए हम पूछते हैं। भैया आपका नाम है विनेश जी, आप इस धर्मस्थल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि धर्मस्थल इसी तरह से बड़ा हुआ है और हम दो तीन लोग प्रधान भी हुए और लोग से हम बहुत कई बार रिक्वेस्ट किया कि भैया यहाँ स्थान पर रास्ता बना दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने के लिए दुख न हो। और हमारे गांव की महिलाएं जो भी जब भी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तो कमर भर पानी में हल करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अगर सरकार से यही रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि इस रास्ता को बना दिया जाए और धर्म स्थल को बढ़िया से बना दिया जाए ताकि लोग आएँ, बैठे, उठे और यहाँ पूजा पाठ करें और ताकि आने जाने को रास्ता मिले। क्या आप कह रहे हैं क्या यहाँ पर रास्ता है कि नहीं? रास्ता है मगर बनाने वाला ही नहीं है। भाई हमारे बीच कुछ और लोग हैं, हम जाना चाहते हैं। जी, हमारे बीच में चाचा जी हैं। जी, आपका नाम है? बलवंत सिंह। हाँ बलवंत सिंह, आपसे जानना चाहता हूँ जो दिनेश राजभर ने कहा है, क्या सही बात है? उन्होंने सबका है कि सदियों से जो है देव स्थान से पड़ा हुआ है, यहाँ आने जाने की कोई सुविधा है, जबकि साल में नवरात्र के महीने में औरतें नौ दिन धार देने के लिए आती है, तमाम प्रकार झुलती है, गिर भी जाती है, तमाम प्रकार की जो है आडम्बना छाते पहुँचती हैं। इसलिए अगर यहाँ रास्ता बन जाती है तो बहुत अच्छा है, रास्ता हो या ना हो ग्रामीणों के सहयोग से भी बनाया जा सकता है। इनका कहना है कि यहाँ रास्ता नहीं है, अच्छा है, अगर ग्रामीण लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ पे विकास हो। इनका कहना है कि धर्म स्थल सदियों से बना है, फेल हुआ है, अगर विकास होता है तो गांव के लोग अपनी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे आकर पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे नवरात्र के समय में यहाँ पे आने के लिए महिलाओं को बहुत तकलीफ होता है। नौ दिन धार देती है और यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे रास्ता भी है तो सही नहीं है, मेड़ है, खेतों का मेड़ है और इस मेड़ पर महिलाएं चलकर आती है। अगर मान लीजिए कोई जल लेकर आई है, जल अगर गिर जाता है तो जल के लिए फिर वापस जाने के लिए उनको बहुत दिक्कत परेशानी होगा। आइए, हमारे बीच में कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। हाँ, आपका नाम है? आप इस धर्म स्थल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दो बात आपसे जानना चाहते हैं। क्या आप चाहते कि ये धर्म स्थल विकास हो? और आप कुछ लोग और हैं इसे जानना चाहते हैं। भैया आपका नाम? सुनू खरवाल जी। क्या आप चाहते कि बाबा डीह का स्थान ये सुरक्षित और साफ सफाई के साथ यह धर्म स्थल अच्छे से बनाया जाए? अच्छा से बनाया जाए, जबकि इसमें ये रास्ता कैसे होगा? रास्ता तो है, प्रधान भी नहीं सुनता है, नहीं वो रास्ता बन जाए। रास्ता है लेकिन प्रधान नहीं बना रहे हैं। हाँ, क्या कारण है कि प्रधान जी नहीं बना रहे हैं? अब भाई, अब प्रधान ही ना बताएंगे कि क्या कारण है, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ है आने जाने के लिए। बिल्कुल दिक्कत, महिलाओं के लिए भी दिक्कत, सबके लिए दिक्कत है। फिर पूजा पाठ करेंगे, अगर रास्ता नहीं होगा तो कैसे आए? अरे यहाँ रास्ता नहीं है और बच्चों से यहाँ रास्ता नहीं है और टीका स्थान जैसे उससे कुछ अति सुंदर नहीं है, लेकिन बनाया गया है बीच में और इसको आप बनवाने की। आप किसे कह रहे हैं कि बनवाया जाए? प्रधान नहीं बनवा रहे हैं? प्रधान तो यहाँ नाप करके गए, फिर भी नहीं बने। हाँ, प्रधान नाप करके गए और वो नहीं बना। तो वर्तमान में जो प्रधान है वो भी नहीं बनवाया। या प्रधान डरते रास्ता बनवाने के लिए कि आपने मनमानी कराई? हम यह नहीं करते। और यहाँ पे बहुत जो महिलाएं आती है और वहाँ से अपने घर से जल लेकर आती है, अगर मान लीजिए रास्ता नहीं है, बीच में अगर जल लेकर गिर जाती है तो फिर वापस जाने के लिए उनको कैसा लगेगा? हाँ, तो औरतें आती जाती हैं, गाली भी देती हैं, उनका खेत है उसको गाली भी देती हैं कि ये लोग रास्ता नहीं छोड़ते। क्या आप यहाँ के यहाँ खेत है क्या बगल में? हाँ, मेरा ही खेत। तो क्या आप भी बाबा के स्थान के नाम पे रास्ता छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ देंगे।
बोलो हाँ इज्जत का डर आज नहीं, बहुत पहले से मैं कहता हूँ। तीसरी चौथी प्रधानी बीत गई और वर्तमान प्रधान भी नहीं आया, नहीं बात जो है नपा था वो लोग भी नहीं माटी बिगवाए आज तक बाधित। इनका कहना है कि यहाँ पर रास्ता है और हम लोग बार प्रेशर कर रहे हैं कि प्रधान जी से बनवा दीजिए और क्योंकि आने जाने के लिए दिक्कत होता है, महिलाएं आती हैं गिर जाती हैं, गालियां भी देती हैं कि रास्ता नहीं छोड़ते, रास्ता है और ये कह रहे हैं कि हम भी सहयोग कर रहे हैं रास्ता बनाने में, अपनी जमीन को भी दे रहे अगर नहीं होगा तभी। हाँ त्रिवा के थाने एगो नल चाबा करी। नाम बताओ। क्या नाम है? फूलमती। नाम फूलमती जी, आप डी बाबा के स्थान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? डीबा के थाने स्थान पर नल हो जाए, अच्छा रास्ता हो जाए आवे जाए खातिर और इधर कोई सुविधा हो जाए, ये तो चाहते हैं जरूर चाहते हैं। सुविधा ये आप लोग नहीं करे, ग्राम सभा के प्रधान न करेंगे? प्रधान न करेगी हमान करल जाए, प्रधान लोग का करे बनल हम ये कुल करे खाते ना। प्रधान जी से एक बार कही है क्या कि रास्ता बनवा दी? प्रधान जी से पतिये ना बोले तो कही कही से प्रधान जी से भेंट हो तब ना प्रधान से झगड़ा कर जाये। गाँव के सदस्य कम से कम प्रधान जी कहना चाहिए की प्रधान जी प्रधान में हम उठे जड़ जाए प्रधान जी से प्रधान जी तो फर गल प्रधान जी तो प्रधान जी आवत हम प्रधान जी आवत देखे कि कुछ में महाराज आवती कैसे आवती।